जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, शराब एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों को सुनना और पीना पसंद नहीं, पर ज्यादातर लोगों को सुनना भी और पीना भी दोनों ही पसंद होते हैं। बड़ी ही अजीब बात है कि ज्यादातर पहली बार की शराब खरीद कर नहीं पीते, कोई ना कोई यार दोस्त मिल ही जाता है शुरुआत कराने को। हाँ, चाहे फिर बाद में वो आपके पैसे से ही क्यों ना पी ले, शुरुआत ज्यादातर मुफ्त की ही होती है। और हम भारतीयों की तो कोई भी चीज बिना शराब की नहीं होती, चाहे शादी की खुशियां हो या डिवोर्स का गम, चाहे नई नौकरी हो या बेरोजगारी का सितम, हर चीज में दारू दवा का काम करती है। हाँ, पर हम एक चीज पहले ही क्लियर कर दें कि हम दारू पीने या पिलाने का समर्थन नहीं करते, क्योंकि नशा चाहे कोई भी हो नुकसान तो करता ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो किसी बड़े से बड़े शराबी को भी नहीं पता होंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी रोचक वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आजकल पूरे देश में शराबबंदी को लेकर हल्ला मचा है। कहीं शराब के ठेकों पर बवाल हो रहा है तो कहीं लोग शराब को लेकर बेकरार दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप शराब के गजब तथ्यों से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने सुनी होंगी। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब भी एक थ्योरी के हिसाब से 5 करोड़ लोगों ने शराब पी रखी होगी। शराब पीने के 6 मिनट बाद ही नशा होना शुरू हो जाता है। शराब एक अपसाद है, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में मौजूदा गतिविधियों की रफ्तार को यह धीमा कर देता है। और हाँ, शराब कभी पस्ती नहीं है, बल्कि रक्त वाहिनियों द्वारा सीधी सोख ली जाती है। शराब का प्रभाव तब होता है जब इथेनॉल हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और दिमाग, दिल और अन्य अंगों के कोशिकाओं की झिल्लियों से होकर गुजरता है। शराब आपको कुछ भूलने नहीं देती, लेकिन बहुत ज्यादा पी लेने के बाद आपको कुछ नया याद भी नहीं रह सकता। और क्या आपको पता है कि प्रत्येक रशियन हर साल 18 लीटर शराब पीता है, जो हानिकारक मात्रा से दोगुनी होती है। 2013 से पहले रूस में बियर को शराब की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। और एक रोचक तथ्य यह भी है कि नीली आंखों वाले लोग ज्यादा नशा सह सकते हैं। क्या आपकी भी है नीली आंखें? पर प्लीज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि खाली पेट दारू पीने से 3 गुना ज्यादा नशा होता है, जबकि भोजन के साथ शराब पीने से नशा देर से होता है। कहा यह भी जाता है कि शराब का नशा आदमी और औरत पर अलग अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शराब पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन असल में ये घटता है। आपको शायद ये बात सुनकर हंसी आए कि पानी और चाय के बाद दुनिया में बियर को सबसे लोकप्रिय पेय माना जाता है। अरे भाई, हंसो नहीं, ये सच्चाई है। और ये भी जानना बेहद जरूरी है कि शराब की वजह से हर 10 सेकंड में एक आदमी की मौत होती है। 31% रॉक स्टारों की मौत के पीछे की असल वजह वही शराब है, जिसे तनाव के दिनों में लोग पीना शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है कि यदि 1 महीने के लिए शराब को छोड़ दिया जाए तो लीवर बेहतरीन रूप से काम करने लगता है, ब्लड प्रेशर में कमी आती है और लीवर से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज का खतरा कम होता है। शराब से दूर रहकर कैंसर का खतरा 30% तक कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि शराब पीकर लोग उत्साहित ज्यादा होते हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ शराब में कुछ खामियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इसका सही मात्रा में सेवन किया जाए तो इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे किसी भी इंसान को जीने के लिए 13 मिनरल की जरूरत होती है और ये सभी शराब में मिलते हैं। पर साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में शराब पीने से बच्चे को 428 तरह के रोग हो सकते हैं।
और एक गजब का तथ्य ये भी है कि जब शराब स्ट्रेट साइडेड ग्लास में डाली जाती है तो लोग धीरे धीरे पीते हैं, और वहीं जब कवर्ड साइडेड ग्लास में डाली जाती है तो लोग जल्दी जल्दी पीते हैं। क्या आपको पता है कि अल्कोहल शब्द का उपयोग पहली बार 1894 में स्वीडिश चिकित्सक द्वारा किया गया था? साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने अपने जीवन के एक दिवसीय खेल में सबसे अधिक रन 175 शराब के नशे में बनाए थे। 1920 और 1930 दशक के बीच में अमेरिकी सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। उस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए वहां सरकार ने शराब में जहर मिला दिया था, जिसके कारण 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि 9वीं सदी में हजारों अमेरिकी स्कूलों में ये सिखाया जाता था कि शराब को एक बार चखने से आप अंधे या पागल हो सकते हैं। खैर, शराब को लेकर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय है, जो जैसा समझे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव भी हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। जय हिंद।